कांग्रेस के नेताओं ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ के जाना एक बहुत ही मजबूत स्तंभ थे और युवा नेता थे, और बीजेपी में शामिल हो जाना। और इस घटनाक्रम के बाद जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो बड़ी चर्चा में हैं कि क्या नेहरू और गांधी डायनेस्टी अब ख़त्म होने के कगार पर है? क्या ये बहुत बड़ा झटका है? आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा, मैं हूँ आपके साथ अनुजैन रोहतगी, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुमन कांसरा, और आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। सुमन जी, क्या लगता है, घटनाक्रम हुआ है, बहुत ही अचानक हुआ है, ठीक है इसका बेस बन रहा होगा, लेकिन ये अब चर्चा का बाजार बहुत गर्म हो गया है कि अब ये डायनेस्टी जो है ख़त्म होने के कगार पर है? डायनेस्टी ख़त्म होने के कगार पे अभी फ़िलहाल लग रहा है हमको कि ख़त्म होने के कगार पे है, बट अगर हम पिछली हिस्ट्री निकाल के देखें तो कांग्रेस की हिस्ट्री ये कहती है कि कांग्रेस तीन बार टूटी, तीन बार जुड़ी, फिर उन्होंने सरकार बनाई, फिर 10 साल यूपी की सरकार रही, उससे पहले बीच में भी बहुत बड़ा एक राहुल गांधी के जाने के बाद बहुत बड़ा एक वैक्यूम आया था, फिर नरसिम्हा राव आए, मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छे से अपना काम संभाला, फिर सोनिया गांधी आई, और सोनिया गांधी ने उनको 10 साल का यूपीए का अपना उनका रिकॉर्ड उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। मनमोहन सिंह पहली बार 10 साल लगातार एक प्रधानमंत्री रहे और अच्छी सरकार चली। तो कांग्रेस के बीच में ये आता जाता आना जाना लगा रहा, कांग्रेस आती रही, कांग्रेस ख़त्म भी हुई, फिर लगा अचानक से ख़त्म हो गई है, फिर दोबारा से कांग्रेस उठी। बट उस टाइम पर जो नेता थे वो बहुत करिश्मेटिक नेता थे, वो बहुत कद्दावर नेता थे। आप किसी का भी नाम उठा के अर्जुन सिंह का नाम ले लीजिए, दिग्विजय का नाम ले लीजिए, या आप शरद पवार का नाम उस टाइम पर थे उनके साथ थे ले लीजिए, आप उनका भी नाम ले सकते हैं, सीताराम केसरी या नरसिम्हा राव, और बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। हाँ, मैं यही जानना चाहूँगी सुमन जी, जी अहमद पटेल भी थे और बहुत नेता थे, पर उन लोगों उस टाइम पे बहुत अभी भी हैं। बट अगर आप गांधी डायनेस्टी की बात करें तो गांधी डायनेस्टी में सिर्फ राहुल गांधी नज़र आते हैं, और राहुल गांधी को ना तो वो कद्दावर नेता बन पाए, ना ही उनके अंदर भी वो। तो यहाँ आपका कहने का मतलब ये है कि उस समय क्योंकि नेता बहुत थे, आपने जैसे कहा कि कांग्रेस के साथ ये हिस्ट्री रही है कि दो तीन बार ऐसा हुआ है कि एकदम बिखर गई लेकिन वापस संभली, लेकिन क्योंकि नेता इतने कद्दावर थे दोबारा से उन्होंने जोड़ लिया है कांग्रेस को। यहाँ आपको क्या लगता है, राहुल गांधी क्या कद्दावर नेता नहीं साबित हुए हैं, और या सोनिया गांधी का जो कद है वो छोटा हो गया है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत काम किया है, मेहनत किया है, पार्टी को दोबारा रिबिल्ड किया एक तरह से? सोनिया गांधी ने 10 साल मेहनत करी, जब पार्टी बिल्कुल ख़त्म थी सोनिया गांधी ने बहुत मेहनत करी, उन्होंने पूरे देश से अपने आप को जोड़ा, उनकी यात्राएं अगर आप गिनो तो वो बहुत लंबी थी, यूपीए के इलेक्शन से पहले जब यूपीए जीत के आई है, तो उनकी वो मेहनत थी जो नज़र आई। राहुल गांधी को बनी बनाई डायनेस्टी मिल गई, उनको बिठा दिया गया। राहुल गांधी में ना तो वो, मुझे लगता है ना वो कन्विंस करने की पावर में है, वो शायद मुझे लगता है कान के कच्चे भी हैं, और कुछ टैग जो लग गया पप्पू का वो भी खतरनाक, वो टैग तो खैर ऑपोजिशन पार्टीज ने लगा दिया है, इतने भी पप्पू नहीं है बट बना दिए गए हैं पप्पू, सोशल मीडिया की वजह से भी उनका बहुत डैमेज हुआ है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद से अपना कोई स्टैंड नहीं ले पाते हैं, जो उनके आसपास कोर टीम बनती है उसी कोर टीम के को आँखों देखी, मतलब उनकी आँखों से देखते हैं, अपनी आँखों से नहीं देखते हैं वो, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अभी भी देख लो कि कुछ आपको सुनने में मिलेगा, जैसे कोर टीम को, पूरी कोर टीम को मेडिटेशन में चले जाना चाहिए, राहुल गांधी की कोर टीम को मेडिटेशन में चला जाना चाहिए, मतलब उनको कि उनको मतलब समझना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब कि राहुल गांधी के जो आसपास लोग हैं उससे काफ़ी हद तक डैमेज रही है उनका। सुमन जी, ये हो रहा है कि डायनेस्टी ख़त्म हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की, अब एक जो नई अटकल सामने आ रही है कि अब प्रियंका गांधी को लाइए सामने, तो आपको लगता है जिस हालात में अब कांग्रेस है, और जैसा कि आप कह रहे हैं बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, कांग्रेस को फिर से उन्होंने समेटा है, प्रियंका गांधी में क्या आपको वो नज़र आती है बात कि अगर उनको लाया जाए इस समय वो समेट पाएंगी कांग्रेस को? लगता नहीं है कि अब वो समेट पाएंगी, क्योंकि अभी जैसे उन्होंने यूपी इलेक्शन लड़ा और वो यूपी में ही सिमट के रह गई, तो ऐसा कभी नहीं नज़र आया कि प्रियंका गांधी वहाँ इतने बड़ा नाम है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी, इतनी डायनेस्टी को बिलोंग करती हैं, और वहाँ ना वो भीड़ इकट्ठी कर पाती है, ना ही उनकी किसी चीज़ का इम्पैक्ट होता है। पहले लगता था कि प्रियंका गांधी आएंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पर अब शायद लेट भी हो गया है, और शायद मुझे नहीं लगता कि उनमें भी अब वो जो नज़र आता था स्पार्क, लोगों को तब तक नहीं दिखा था तब तक नज़र आता था, अब वो फील्ड में उतरी हैं तो कोई स्पार्क नज़र तो नहीं आता है। यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या गांधी और नेहरू की डायनेस्टी ख़त्म होने के कगार पर है, और लग भी यही रहा है। सुमन जी, चलिए हम मान रहे हैं कि नेहरू और गांधी की डायनेस्टी जो है अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि लोग ना राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ना प्रियंका गांधी को भी, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर हम जाएं सुमन जी, तो हमारे देश में डायनेस्टी की बाहर है, बिल्कुल बाढ़ सी है, चाहे आप यूपी देख लीजिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, तमिलनाडु, आपको क्या लगता है एक डायनेस्टी ख़त्म हो रही है लेकिन बहुत सारी डायनेस्टी स्टेट लेवल पे तैयार हो रही हैं?
हाँ, जैसे नेशनल डायनेस्टी अगर देखें ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में देखें तो इंडिया की डायनेस्टी तो गांधी डायनेस्टी थी जिसने पूरे देश पर राज भी किया है। बट हाँ, स्टेट वाइज डायनेस्टीज़ जो हैं अब डेवलप हो रही हैं। जैसे आप देखिए, आप जगन नेगी को, जगन रेड्डी को देख लीजिए, उनकी स्टालिन की देख लीजिए डायनेस्टी, डीएम की देख लीजिए, आप फारूक अब्दुल्ला की देख लीजिए, उनकी डायनेस्टी श्रीनगर में चलती है, आप मुलायम सिंह की देख लीजिए, अखिलेश यादव उनको लेके चल रहे हैं। और इस तरह से अभी जो मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जो छोड़ा है, अगर ये आप सोचो कि उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वो एक मिनिस्टर पद चाहते हैं, राज्यसभा में सीट चाहते हैं, मुझे नहीं लगता। वो भी अपनी एक बहुत कद्दावर है, उनकी बहुत बड़ी फैमिली हिस्ट्री रही है और सारी फैमिली पॉलिटिकली है, इन्वॉल्व है, सब हर 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 पार्टी के साथ हैं, कोई मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बट उनको मुझे लगता है वो एक नई डायनेस्टी, मध्य प्रदेश की डायनेस्टी हो सकता है कि उसके लिए वो काम करें, उसके लिए वो आगे बढ़े। आपको यहाँ लग रहा है कि जो ज्योतिराजय सिंधिया आए हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है कि जो डायनेस्टी जो है वो चाहते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी का भी कोई बड़ा लीडर इस समय मध्य प्रदेश में नहीं है। ये तो बात हो गई है, हम जो चर्चा कर रहे हैं डायनेस्टी की, अगर नेशनल लेवल पर ख़त्म हो रही है तो स्टेट लेवल पर बहुत सारी डायनेस्टी हैं। सुमन जी, क्या ऐसी परेशानी है, डायनेस्टी अगर जब होती है तो उसमें क्या ऐसी परेशानियां हैं? हम विदेशों में भी देखें, जो हम देखते हैं सामने, चाहे हम इंग्लैंड की बात करें, चाहे हम जापान को देखें, महाराजा है इंग्लैंड में, रानी चल रही है, लेकिन सरकार में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हमारे देश में जो डायनेस्टी चलती है वो सरकार पे शासन करती है, वो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप इंग्लैंड की रानी को देखिए तो वो उनका सत्ता में कोई रोल नहीं है, आप भूटान के किंग को देख लीजिए सत्ता में कोई रोल नहीं है, जापान में देख लीजिए सत्ता में कोई रोल नहीं है। हमारे यहाँ डायनेस्टी पॉलिटिकल डायनेस्टी हैं, मतलब वो किंगडम नहीं है कि वो राजा महाराजा रहे हैं कहीं के और उनको अलग से, जैसे यहाँ जैसे भूटान के राजा हैं तो वो राजा हैं, वहाँ के तो वो राजा हैं, वो राजा ही उनको समान, उनको समान है। बट यहाँ वो चीज़ नहीं है, दिस इज़ लिंक टू द पॉलिटिकल डायनेस्टी, इज़ नॉट अ आप राजा महाराजा का वो पुराना राजसी वो नहीं चलता चला आ रहा है कि उनका वो परिवार राजसी परिवार राज करता चला है। एक राजा नहीं था यहाँ पे, इंडिया बहुत बड़ा था, यहाँ हर स्टेट हर सिटी के अपने अपने राजा थे, तो इसलिए यहाँ तो वो नहीं होता। मैं ज़रूर आपको टोकूंगी सुमन जी, आपको क्या लगता है जो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल डायनेस्टी यहाँ पे है, तो कितनी ज़्यादा खतरनाक है वो पॉलिटिकल डायनेस्टी जो हो रही है हमारे देश में? तो आप देख लीजिए ना कांग्रेस का क्या हाल हो रहा है, कांग्रेस का हाल यही हो रहा है, देश का भी क्या हो रहा है। अगर इस वक्त भी सोच लें, कांग्रेस पार्टी ये सोचे, कांग्रेस पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो गांधी परिवार से बाहर निकल के किसी भी अच्छे नेता को अध्यक्ष बनाएं, तो कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई बंदा उनको चाहिए जो कांग्रेस पार्टी को जोड़ के चला पाए, और वो जुड़ेगा वो चलेगा, कांग्रेस पार्टी फिर आगे बढ़ेगी, और पहले भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और अभी आगे भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़रूर जोड़ूंगी सुमन जी, जब हम डायनेस्टी की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि जो यंगस्टर्स हैं जो सच में काम करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, उनसे जो डायनेस्टी चलती है तो उनका मनोबल गिरता है? जैसे ज्योतिराज सिंधिया का एग्जाम्पल बिल्कुल सामने ही है, और इस तरह से हम सचिन पायलट का भी ले सकते हैं, दबे स्वर में हमेशा बोल रहे हैं आप, अशोक तंवर का हरियाणा में ले सकते हैं आप, यहाँ पे बॉम्बे में एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो मनोबल टूटता है जब डायनेस्टी चलती है, तो खतरनाक तो है ही ना ये परंपरा। तो ये भी तो आप देखिए ना, सचिन पायलट कौन है, राजेश पायलट के लड़के हैं, जितेंद्र प्रसाद कौन है, जितेंद्र प्रसाद कौन है, जितेंद्र प्रसाद के लड़के हैं, तो ये भी तो अपनी एक डायनेस्टी ही लेके, आपके बाप पॉलिटिक्स में आए तो आपका बेटा पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो ये भी तो वही चल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये भी तो ये चल, लेकिन ये खतरनाक है ये। हाँ, किसी नए नेता को या नए यंग यूथ को अगर पॉलिटिक्स में आना है तो उसको सोचना पड़ता है कि भैया मुझे मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है तो मैं इसको सर्वाइव भी कर पाऊंगा यहाँ के, नहीं कर पाऊंगा यहाँ। लास्टली सुमन जी, मैं ज़रूर एक चर्चा करूंगी, एक हल्का सा ये टॉपिक है, अगर देखा जाए, अगर फिल्मों की बात करें, मैं फिल्मों पर आ रही हूँ, वहाँ भी डायनेस्टी बहुत चलती है, लेकिन वहाँ पर अगर कोई एक्टर अच्छा काम नहीं करता वो फ्लॉप हो जाता है, तो वो साइडलाइन हो जाता है, लेकिन जो पॉलिटिकल डायनेस्टी है वो चलती रहती है। यही तो इस देश की सबसे बड़ी क्या कहें इसको, कह सकते हैं कि त्रासदी है ये, बहुत बड़ी त्रासदी है। अब आप सीधा सीधा एग्जांपल, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मजबूरी है, राहुल गांधी भी हमारे लिए मजबूरी है इस देश के लिए। तो सुमन जी, आपने इतना अच्छा हमको ज्ञान दिया, हमारे व्यूअर्स को भी ये पसंद आया होगा, क्योंकि डायनेस्टी जो है, पॉलिटिकल डायनेस्टी हमने इसको नाम दे दिया है, हमारे देश में चल रही है, जो बहुत ही खतरनाक है, और जिससे यंगस्टर्स हैं उनके मनोबल पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, जो राजनीति में आना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं और टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि राजनीतिक डायनेस्टी हमारे देश में चल रही है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।